प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। माता कुष्मांडा का संबंध ज्योतिष में बुध नामक ग्रह से बताया जाता है। आप देखिए बुध की जो क्वालिटी होती है, बुध की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको दुरुस्त करने के लिए माता कुष्मांडा की पूजा से लाभ हो जाता है तत्काल। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है या बुध के परिणाम आपको अशुभ मिल रहे हैं या बुध की वजह से आपके जीवन में कोई दिक्कत है और आप माता कुष्मांडा की पूजा करें तो बुध संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। माता कुष्मांडा की पूजा कैसे करेंगे? माता कुष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र है 28 साल, तो 28 हरी इलायची आपको माता कुष्मांडा को अर्पित करनी है। और हर इलायची अर्पित करने के साथ कहिएगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ऐसा कहते जाइएगा और एक एक हरी इलायची उनके चरणों में रखते जाइएगा। पूजा के उपरांत सारी इलायचियों को इकट्ठा करके हरे कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा, अपने काम करने की जगह पर, अपने सोने के स्थान पर, अपने पढ़ने के स्थान पर रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इन्हें अपने पास अगली नवरात्रि तक आप सुरक्षित रखिएगा। अगली नवरात्रि में इन्हें निकाल करके या तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे या तो इनको जल प्रवाहित कर देंगे। और अगली नवरात्रि में अगर आपको लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी पुनः बुध को मजबूत करने की, तो पुनः आप ये प्रयोग एक बार दोहरा लेंगे। के कुंजिका स्तोत्र जो है वो एक बड़ी अद्भुत स्तुति है देवी की, बड़ी शक्तिशाली स्तुति है देवी की। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ वैसे भी बुध की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। आप चाहें तो नव दुर्गा के चौथे दिन माता कुष्मांडा के सामने बैठ करके कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि देवी के सामने एक घी का दीपक जला दें। अगर दीपक जल रहा है अखंड दीपक तो कोई बात नहीं, दीपक जलने दें और आप वहीं पर बैठ करके बोल बोल करके एक बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। और अगर ये पूजा आप मध्य रात्रि में कर लें, मिडनाइट में कर लें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलेगा, थोड़े से पाठ से बहुत ज्यादा फल मिलेगा। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपका बुध, आपका ब्रेन, आपके धन की स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शिक्षा, ये सारी स्थितियां एक एक करके बेहतर होती चली जाएंगी। नवरात्रि में 9 दिन का अलग अलग विधान है, 9 दिन के अलग अलग पूजा के नियम हैं और 9 दिन के अलग अलग प्रसाद या भोग भी हैं। तो आज की अगर हम बात करें तो आज माता कुष्मांडा को आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी ग्रहण करने को दें। ऐसा करने से जो आपके मन संबंधी समस्या है, जो मन संबंधी बाधा है, वो बाधा आपकी दूर होती चली जाएगी। तो माता कुष्मांडा की पूजा में उनका विशेष भोग है मालपुआ। जो भोग लगाना और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए नवरात्रि में व्रत रखते क्यों हैं? नवरात्रि में व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि इस समय मौसम में परिवर्तन होता है।
आपके शरीर को शुद्धि की आवश्यकता होती है, आपके शरीर को स्वास्थ्य की जरूरत होती है। ऐसे में नवरात्रि के समय में जब आप उपवास रखते हैं, कम से कम खाना कम खाते हैं, अन्न कम खाते हैं, सात्विकता से रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं, तो आपका शरीर विषमुक्त होता है, आप ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। और नवरात्रि में व्रत रखने के सामान्यतः दो ही नियम हैं। एक तो ये है कि आप पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे और दसवीं को व्रत का समापन करेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि 9 दिन का व्रत रखते हैं लेकिन नवमी तिथि को हवन के बाद ही व्रत को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आप 9 दिन व्रत रखते हैं तो आप दसवीं को व्रत समाप्त करिएगा, 9 दिन पूरा व्रत रखिएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं, तो अगर आप पहली और अष्टमी को व्रत रखते हैं तब आप नवमी को व्रत का समापन कर सकते हैं। अब नवरात्रि के व्रत में एक बात जो जानना जरूरी है कि अगर आपको अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए। नींबू पानी का, शरबत का, इसका इस्तेमाल, फलों के रस का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, और भूख ज़्यादा लगे तो थोड़े बहुत फल खा लें, यही सही तरीका होगा। अब ये तरीका ठीक नहीं है कि आप आलू की सब्जी खा रहे हैं, सामक के चावल खा रहे हैं और कुट्टू के आटे की रोटी खा रहे हैं, तो फिर वो व्रत नहीं है। वो साइकोलॉजिकली आपको भले ही लगे शाम को खूब बड़ी प्लेट में आलू भून के खाने बैठ गए, ये व्रत नहीं है। ये साइकोलॉजिकली आपको लग रहा होगा, और ऐसा करके लोग व्रत में बल्कि और ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। अगर आपको व्रत से फायदा उठाना है तो आहार कम से कम, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा, और उस समय का पूरा इस्तेमाल करिए पूजा उपासना में। हम कहते हैं ना उपवास है, उप का मतलब क्या होता है, निकट, और वास का मतलब रहना। किसके निकट रहना, देवी के निकट रहना। तो आप दिन भर खाने पीने में और मौज उड़ाने में ही बिता देंगे तो देवी के सानिध्य का लाभ कैसे मिलेगा। इसीलिए बुद्धिमानी कहती है कि आहार पे कम जोर दीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, और देवी के पास रह करके, देवी के साथ रह करके उनकी साधना उपासना तपस्या करिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और व्रत के बारे में दो बातें और समझें कि देखिए, हो सकता है कि आप नौकरी करते हों, आप व्यापार करते हों, या आप बीमार रहते हों तो व्रत न रख पा रहे हों। तो अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर यही होगा कि आप जो भी भोजन करते हैं वो सात्विक भोजन करिएगा। घर के भोजन में भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत करिएगा, और प्याज लहसुन कम से कम उससे इन 9 दिनों तक परहेज करिएगा। प्याज लहसुन मांस मदिरा से, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। व्रत नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन दोनों समय पूजा करिए, आहार को शुद्ध रखिए, पवित्र भोजन ग्रहण करिए, निश्चित रूप से नवरात्रि में आपको साधना का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, नवरात्रि में आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है, और दुर्गा का नाम भी एक मंत्र है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति नाश करने वाली देवी है दुर्गा। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुर्गा नाम का जप आप जितना कर लें, दुर्गा 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 दुर्गा, इस नाम को आप जितना जप लें उतना अच्छा होगा। नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को भी आप अधिक से अधिक खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते निरंतर जप करते रहें। जितना आप नाम जपते रहेंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।